हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिव्यू इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी के सभी सेंटर का। जो भी मेरे पास है पूरा लंबा वीडियो ये होने वाला है, तो इसमें आप पूरा देखिएगा। सभी सेंटर का रिव्यू इसमें कवर किया जाएगा जो भी स्टूडेंट्स ने मेरे पास शेयर किया है। सबसे पहला देखिए इनका है कल का 18 अक्टूबर यानी कि वाराणसी सेंटर का। सर, आई एम अनुज कुमार, मेरा वाराणसी सेंटर का जो इनका रिव्यू है, और इनका एग्ज़ाम 18 अक्टूबर का था, पेपर फुली इंग्लिश में था। तो जो लोग कई लोग व्हाट्सएप पर आकर मेरे से कमेंट करते हैं, या फिर कई लोग कमेंट में पूछते हैं कि सर पेपर का लैंग्वेज है वो क्या रहा है, तो उनको मैं बता दूं कि पेपर लैंग्वेज है वो, या आप देख सकते हैं कि फुली इंग्लिश। और पहले भी मैं इस चीज़ को मतलब कि आपको बता चुका हूँ, डिफ्रेंसिएशन के 4 से 5 क्वेश्चन थे, इंग्लिश में ऑड बताना था, इंग्लिश में ऑड बनाओ, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस से 3 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन स्लोप से था, ढाल वाले क्वेश्चन होते जो जिसमें से पैरेलल एंड परपेंडिकुलर स्लोप निकालनी थी। तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुका हूँ, स्टेट लाइन आप चैप्टर देख सकते हैं। सर, मेरे बैच में 160 कैंडिडेट थे, 58 ने क्वालिफाई किया, 23 रेस में बाहर हुए, 35 ने PFT क्लियर किया, मैं भी हूँ, मेरा PFT हो गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल भाई को कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है। और नेक्स्ट स्टेज के लिए रीजनिंग के 15 से 20 क्वेश्चन थे, ऑड नंबर के मिनिमम 8 क्वेश्चन थे। तो ऑड नंबर के क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छे पूछे जाते हैं, तो ये इन भाई ने अपनी पिक भी है वो यहाँ पर शेयर की है, ठीक है। तो देख सकते हैं ये इनका इस तरह। दोस्तों, नेक्स्ट जो रिव्यू है ये काफ़ी अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब सभी चीज़ें इन्होंने शेयर की हैं और वहाँ की वीडियो भी इन्होंने शेयर की है PFT का, जो किस तरह से इनका PFT है वहाँ पर हुआ था। गुड इवनिंग सर जी, आई एम चंद्रशेखर, मेरा आज नाविक GD नोएडा सेक्टर 62 में इनका एग्ज़ाम था। और इन्होंने क्या क्या क्वेश्चन शेयर किए देखिए, एग्ज़ाम क्वेश्चन 3 प्रॉफिट एंड लॉस से थे, 2 डिस्काउंट से, 1 एरिया से और रॉन्ग मीनिंग से था। उसके बाद ये बता रहे हैं कि ब्लैंक इंग्लिश एग्ज़ाम बहुत इजी था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन इंग्लिश में थे और 227 में से 50 डॉक्यूमेंट्स रीजन आउट हो गए, डोमिसाइल कास्ट सर्टिफिकेट उनका 1-10-2019 के पहले था, एम सेलेक्टेड ऑब्टेन 57 मार्क्स, 57 मार्क्स काफ़ी अच्छे इन्होंने गेन किए हैं। PFT बहुत हार्ड था, आपने जो रीजनिंग स्टडी कराई थी, सीरीज आए थे, आई लव, सब आपकी दुआ से, मेरे ऊपर आपकी दुआ, आई लव यू, सो आई लव यू टू मेरे दोस्त। सर थैंक यू, मुझे आपकी वीडियोस रीजनिंग और मैथ्स वीडियोस लगती है सर जी। तो इन्होंने भाई ने अपनी पिक भी है वहाँ से शेयर की है, तो ये आप देख सकते हैं इन्होंने वहाँ की जो पिक है कुछ इस तरह से शेयर की है, सभी चीज़ें वहाँ की इन्होंने शेयर की है। आगे भी देखते हैं तो यहाँ पर देखें, लेकिन सर मेरे डोमिसाइल में पापा का नाम गलत था, इसलिए मैं PFT से पहले ही निकाल दिया गया। सो गाइस, सो सैड, काफ़ी अच्छे मार्क्स इन्होंने गेन किए 57, और फिर भी इनको यहाँ से आउट कर दिया है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, फिर से अपना डोमिसाइल है वो अच्छे से बनवाएं। और बच्चों का PFT लगा था जो मेरे बैच वाले थे, ये PFT देखिए, इन्होंने PFT की वीडियो भी वहाँ से शेयर किए, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर देखिए बच्चों का जो PFT है गाइस वो चल रहा है, देखिए वहाँ पर बच्चों का PFT चल रहा है, आप देख सकते हैं। और थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा है, वो उठक बैठक कर रहे हैं। इन्होंने अपनी वहाँ की पुशअप की सभी वीडियोज़ हैं वो शेयर किए हैं। तो ये कैंडिडेट है, इनके पहले वाले बैच वाले कैंडिडेट थे वो यहाँ पर पुशअप लगा रहे थे गाइस, तो इन्होंने 2-3 वीडियो यहाँ पर शेयर किए। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई का रिव्यू शेयर करने के लिए। चलिए नेक्स्ट कैंडिडेट का रिव्यू हम देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक और कैंडिडेट है, सर आज मेरा वाराणसी सेंटर पर एग्ज़ाम था, टोटल 180 कैंडिडेट थे मेरे बैच में, 158 ही एग्ज़ाम दे पाए, बाकी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आउट किया गया। दोस्तों 58 लोगों में रिटर्न क्लियर किया, 35 लोग रनिंग में पास हुए, 23 रनिंग आउट हो गए, मतलब कि 35 कैंडिडेट रनिंग के लिए रनिंग में पास हुए, 23 आउट हो गए, तो काफ़ी ज़्यादा रेस हो गई। तो जिनका भी आगे एग्ज़ाम है फिजिकल की अच्छे से तैयारी करें, पेपर बहुत इजी था, 5 क्वेश्चन आउट 5 एनालॉजी से थे और रीजनिंग के 10-12 क्वेश्चन थे, मैथ्स 10th और 12th दोनों से पूछी गई थी, स्टेट लाइन से 5 क्वेश्चन थे, 2 डिफ्रेंसिएशन, 2 इंटीग्रेशन, टाइम एंड वर्क से 2 CISI पार्टनरशिप से 1 क्वेश्चन, फिजिक्स थ्योरी से एंड सिंपल न्यूमेरिकल के क्वेश्चन थे, 12th एंड 10th लेवल की थी, इंग्लिश 5 क्वेश्चन, आर्टिकल फिल इन द ब्लैंक से थे 4 क्वेश्चन, 10-12 ऑड वन आउट, कैसे हिमालय से कौन सी नदी निकलती है ऐसे क्वेश्चन थे, और
प्रथम परमाणु रिएक्टर जो कि परमाणु पोकरण में किया गया था, सबसे अधिक रैन कहाँ होती है, मासेन राम, ठीक है। उसके बाद लोगेरिदमेटिक टेबल का इन्वेंट किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया, इंडस वैली से एक क्वेश्चन था, सिंधु घाटी सभ्यता, सर मेरा क्लियर हो गया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन भाई को। रिटर्न एंड फिजिकल दोनों डीबी में वंश वालों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था जो उसमें यहाँ पर एंट्री मिलने का काम कम ही चांस है, मतलब जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो ये इन्होंने वाराणसी कैंट का जो रिव्यू है गाइस जो शेयर किया है, काफ़ी अच्छा इन्होंने भी रिव्यू शेयर किया। तो चलिए नेक्स्ट रिव्यू और देखते हैं कि और कौन से सेंटर का रिव्यू हमारे पास है। ये देखिए गाइस नोएडा का एक और रिव्यू है यहाँ पर, सर नोएडा सेक्टर 2 में इनका एग्ज़ाम था, 242 बंदे थे, 10:30 बजे इनकी एंट्री हुई, उसके बाद डीवी हुआ और 3 घंटे लग गए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 10वीं की मार्कशीट आईडी प्रूफ दे रहे थे, 5 कैंडिडेट को उसमें आउट किया गया था। फिर बायोमेट्रिक हुआ जिसमें से 1-2 घंटे लग गए थे। फिर एग्ज़ाम के लिए एक रूम में ले जाया गया, फिर एग्ज़ाम 4 बजे शुरू हुआ, तो काफ़ी लेट इनका एग्ज़ाम यहाँ पर शुरू हुआ है। पेपर 78 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज में और 2 क्वेश्चन हिंदी लैंग्वेज में थे। और फिर रिजल्ट आया जिसमें से 120 कैंडिडेट पास हुआ, तो बहुत ज़्यादा रेशो यहाँ पर रहेगा इस नोएडा का। 120 कैंडिडेट इसमें पास हुए हैं। सर मैं भी पास हो गया एग्ज़ाम, माय मार्क्स इज़ 47, तो 47 इन्होंने मार्क्स गेन किए हैं। फिर हमें फ्री किया गया, तो हाईएस्ट स्कोर इन्होंने बताया, हाईएस्ट स्कोर वहाँ पर 60 था, और बोल रहे हैं कि 36 वालों को भी पास किया गया था। पीएफटी देने के लिए कैंडिडेट गए, फिर हमें ट्रैक पर ले जाया गया, ट्रैक पर इनको, और बस ट्रैक काफ़ी बड़ा था, 2000 मीटर में टाइम पूरा किया था, तो 2000 मीटर ये बता रहे हैं भाई। और रेस में 41 कैंडिडेट पास हुए, तो बहुत ज़बरदस्त रेसो यहाँ का रहा है कि आधे आधे कैंडिडेट रेस में बाहर हो गए हैं। फिर थोड़ी देर पुशअप हुआ, टोटल 17 कैंडिडेट पास हुए, मैं पुशअप में निकल गया। तो गाइस पुशअप भी आप अच्छे से तैयारी करें, जो मेरा रिव्यू ज़रूर शेयर करना। तो ये भाई इनका रिव्यू है, फ़ोटो इन्होंने अपनी शेयर की है। तो गाइस इस तरह से यहाँ का जो रिव्यू है वो रहा है। तो चलिए कुछ और रिव्यू हम यहाँ पर देख लेते हैं। एक और रिव्यू है गाइज, ये देखिए यहाँ पर, सर माय नेम इज़ हितेश कुमार, आई शेयरिंग रिव्यू ऑफ कोस्ट गार्ड एग्जाम लेवल इज नॉर्मल विद मॉडरेट, ठीक है। 12th मैथ से 10-12 क्वेश्चन थे, 12th फिजिक्स से 10-12, 10th लेवल मैथ इज सो डिफिकल्ट, जीके के 10-12 क्वेश्चन और रीजनिंग में 15-20 क्वेश्चन। सर दिस इज़ द नोएडा सेंटर एग्जाम रिव्यू, 7 AM एंट्री, ऑल स्टूडेंट्स 206 वर एबल फॉर रिटर्न, यानी कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी को आउट नहीं किया गया है, 95 कैंडिडेट ने क्लियर किया है रिटर्न एग्जामिनेशन। देखिए गाइज यदि रिटर्न एग्जामिनेशन ज़्यादा कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर पीएफटी में उनको निकाल दिया जाता है, तो इसीलिए वो रेसो है वो सेम रहता है, तो आप दोनों की अच्छे से तैयारी कर जाएं। एंड 36 क्लियर पीएफटी, 36 ने पीएफटी क्लियर किया 95 में से। गाइज आप देख सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त रेसो रह रहा है नोएडा सेंटर के अंदर, पीएफटी में बहुत कैंडिडेट आउट हो रहे हैं। एंड लास्ट 21 डीवी क्लियर, और उनमें से डीवी में भी कुछ को लास्ट में आउट किया गया, पहले आउट नहीं किया। आई हैव बीन क्लियर द पीएफटी बट आई वाज डिसक्वालीफाइड इन डीवी बिकॉज आई हैव 16-10-19, इनका जो कास्ट सर्टिफिकेट था वो 16 अक्टूबर का बना हुआ था, तो मैंने ये चीज़ें तो आपको पहले ही बता दी थी। वी हैव शुड बिफोर 1 सेप्टेम्बर ऑल प्रोसेस कम्प्लीट 7, तो यहाँ पर भाई ने अपनी पिक भी है वो शेयर की है। ये देखिए गाइज इन्होंने अपनी पिक भी हम वहाँ से शेयर किए, अंदर जब आपको ले जाते हैं तो वहाँ की पिक है ये। तो इस तरह से इनका जो एग्ज़ाम पीएफटी है वो क्लियर हुआ, बट इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आउट किया गया। तो कोई बात नहीं भाई, आपको इतना तो पता चल गया कि मैं कितना स्कोर कर पाया, मुझे लास्ट अगली बार कितना स्कोर करना है, तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए कि आपने रिटर्न और पीएफटी क्लियर किया। ये गाइज एक और रिव्यू है, देखिए रिव्यू देने के लिए सबसे पहले आपको धन्यवाद करना चाहूँगा। तो भाई मोस्ट वेलकम, पेपर टोटल अदर्स रिव्यू के जैसा ही था, मतलब जैसे रिव्यू दे रहे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ऐसा ही आया था, जिसके पास सेंटर का भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था और 1 सितंबर के बाद का था, उसका कुछ भी नहीं हुआ, मतलब उसको आउट किया। मेरी रिपोर्टिंग 7 AM थी, अप्रोक्सीमेटली 12 PM के आसपास पेपर हुआ, उसके बाद 3 के आसपास रिजल्ट आया। टोटल 70 स्टूडेंट में से 15 हुए कट ऑफ, 40 थी, 80 में से पेपर 12th फिजिक्स मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा थे, मैथ्स ये सबसे ज़्यादा था, अप्रोक्सीमेटली 30 क्वेश्चन 12th से ज़्यादा थे, और आप पे बताए थे 2 क्वेश्चन अबाउट डिफरेंशिएशन, ठीक है, और 1 क्वेश्चन लिमिट का, नॉर्मली डिफरेंशिएशन का 1 क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन, स्लोप, ये सभी चीज़ें हैं फाइंड आउट करना, प्रोबेबिलिटी से 1 क्वेश्चन
से नहीं था, एक क्वेश्चन कॉनिक सेक्शन थे था, टेंथ लेवल से CISI एवरेज प्रॉफिट लॉस ये सभी टॉपिक थे, रीजनिंग से ऑड वन आउट के 4 क्वेश्चन, सीरीज एनालॉजी बाकी सभी के क्वेश्चन थे, और इंग्लिश में सिनोनिम्स आर्टिकल्स इजी था, GK भी इजी थी। मेरा नाम अनुराग मौर्य है, मेरा क्वालिफाई हो गया तो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई को। एक बात और, मेडिकल में 10 में से 8 पास हुए, मेरी लिस्ट में नाम आएगा तो ज्वाइनिंग होगी। सो गाइज ये इन्होंने अपनी वहाँ की पिक भी शेयर किए गाइज, इस तरह से इनका जो एग्ज़ाम है वो रिटर्न है वो सब कुछ क्वालिफाई हो चुका है। यदि इनकी जो कट ऑफ है वो अच्छी रही, मार्क्स बताए नहीं गए यहाँ पर, तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई का रिव्यू शेयर करने के लिए। गाइज एक और रिव्यू है बहुत अच्छा, नोएडा सेंटर से दिखे क्या बोलते हैं, इनकी रिपोर्टिंग 10 बजे हुई, 230 कैंडिडेट रिपोर्टेड हुए और चेकिंग इट्स लेफ्ट ओनली 172 बचे थे। एग्ज़ाम वाज स्टार्टेड 3 PM और एग्ज़ाम वाज इजी टू मॉडरेट, फिजिक्स क्वेश्चन वाज टॉपिक्स SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन, ग्रेविटेशनल थर्मोडाइनमिक्स, हीट वर्क, वैक्टर, प्रिज्म एंगल डेविएशन, रिजल्टेंट ऑफ टू वैक्टर्स, इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन मैथ्स पोर्सन क्वेश्चन वर फ्रॉम मोस्टली 12th मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट सेट, ट्रिग्नोमेट्री, ये सभी टॉपिक है और प्रॉफिट लॉस यहाँ से 4-5 क्वेश्चन पूछे गए। इंग्लिश में सपोर्टिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब्स, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, नो एंटोनिम एंड सिनोनिम्स फॉर आस्क, ठीक है। और GK के बात करें तो यहाँ पर बताया है किस स्टेट में पेंशन देना शुरू किया, ओलंपिक ऑर्डर ऑफ अवार्ड किसको दिया गया, रीजनिंग वाज इजी, नंबर सीरीज टॉपिक भी भाई ने सभी शेयर किए तो आप नोट भी कर सकते हैं। 13 सेलेक्टेड फॉर मेडिकल, मैक्सिमम कैंडिडेट थ्रो आउट इन पुलअप्स, यानी कि पुशअप्स में बहुत कैंडिडेट को आउट किया गया। ये पुलअप्स नहीं होता, पुशअप्स होता है, ठीक है। दिस इज रिव्यू ऑफ टूडे, तो इन्होंने अपनी पिक भी शेयर करी, वी बोथ आर सेलेक्टेड। सो गाइज इस तरह से यहाँ का जो रिव्यू है इन्होंने शेयर किया काफ़ी अच्छे से। चलिए और कुछ रिव्यू देखते हैं, यदि और मेरे पास कैंडिडेट का रिव्यू है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये देखिए गाइज, सर आई एम फ्रॉम कर्नाटका, न्यू मैंगलोर, आई क्लियर GD एग्ज़ाम, थैंक यू सो मच सर, यू ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट टीचर, थैंक्स अ लॉट भाई, मोस्ट वेलकम। आउट ऑफ 78 कैंडिडेट ओनली 16 स्टूडेंट्स क्वालिफाइड एंड 12 आउट इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, 80 मार्क्स क्वेश्चन, हाईएस्ट 47 इन आवर बैच। सो गाइज इस तरह से कैंडिडेट का जो रिव्यू है वो रहा है, बाकी एक और वीडियो आपको रिव्यू की आने वाली है, रिव्यू ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं तो एक दो वीडियो और मिलेंगे आपको, बाकी अच्छे से तैयारी कीजिएगा नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो बहुत बहुत आप सभी लोगों का धन्यवाद रिव्यू शेयर करने के लिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।